जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ, चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों ने आंदोलन में जितना साथ दिया वो अच्छा दिया, और जो भी आगे होगा वो हम आपको डिटेल से बता देंगे। अब बात करते हैं हम दोस्तों, क्या हमारा टॉपिक क्या है आज? आज है हमारा टॉपिक पोर्टर भर्ती। मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि 1 तारीख से पोर्टर भर्ती निकल जाएगी, तो दोस्तों किसी कारणवश वो भर्ती फिलहाल डिले है। क्यों डिले है इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है, परंतु हाँ इतना जरूर पता है कि 2-3 दिन या 5 दिन के लिए डिले है, यानी कि आजकल में वो फॉर्म भरने वाले हैं, फॉर्म निकलने वाले हैं। उसकी वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर चेक करते रहना आप, ठीक है दोस्तों। ये जो टेरिटोरियल आर्मी वाले हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें उम्र मांगी गई है 18 साल से 42 साल। इसकी दोस्तों, इसका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, केवल 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ये मैं नहीं कह रहा कि नौकरी करो आप, ये सही है नौकरी, ये उनके लिए सही है जो उत्तराखंड, झारखंड और आपका क्या बोलते हैं, हिल एरिया है, जिनका हिल एरिया है, क्योंकि नेपाल वाले भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कुशलता क्या मांगी गई है। कुशलता मांगी गई है इसमें 10वीं क्लास और सफाई वालों के लिए 8वीं क्लास। दोस्तों अब बात आती है कि वर्दी मिलेगी नहीं मिलेगी। दोस्तों इसमें वर्दी मिलेगी, मैं आप लोगों को दिखा दूं, मैं चेहरा तो नहीं दिखा सकता भाई का, परंतु जो वर्दी इसमें मिलती है मैं आप लोगों को वो वर्दी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और दिखाऊंगा कि ये वर्दी इसमें मिलती है। इसे या तो आप पुरानी बोल लें या इसे आप नहीं बोल लें, लेकिन ये जो भाई है अपना, ये उसमें पोर्टर में ही काम कर रहा है, अपने ही क्षेत्र का है। तो दोस्तों रही बात टेरिटोरियल आर्मी की, जब टेरिटोरियल आर्मी आएगी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले शारीरिक दक्षता, यानी कि दौड़ सबसे पहले होगी, उसके बाद बीम जंप जो भी सिस्टम होता है वो होगा, उसके बाद डॉक्टरी होगी, डॉक्टरी के बाद आपके फाइनल मेरिट यानी आपका सिलेक्शन बता दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें रिटिन मात्र नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही इतना हार्ड प्रोसेस है, क्योंकि 6 महीने के बेस मान लीजिए आप, या 6 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे लेबर का कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, परंतु इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। क्योंकि दोस्तों अगर हम समतल एरिया की बात करें, अपना हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इनकी बात करें, तो इसका जो बंदा है वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाता है। केवल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और जो भी हिल एरिया है उनके बंदे, जम्मू कश्मीर, इनके बंदे इसमें जा सकते हैं। क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी वालों के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक भर्ती का 28 तारीख में पता था कि आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो आएगा, अन्यथा अब तो आंदोलन के बाद ही कुछ होगा या फिर चुनाव के बाद होगा। अगर आप सोना चाहते हैं, सो रहे हैं तो सोते रहें, और किसी को कोई भी काम नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप लोग जाग जाएंगे तो आपकी भर्ती आ जाएगी, अन्यथा भर्ती नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं भर्ती आए तो बड़ा आंदोलन आपको करना होगा, हमारा साथ देना होगा। अगर हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप लोग इस मुहिम में जुड़े, अन्यथा जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।